गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक अगेन इन स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल। माई सेल्फ शहबाज सर। टुडे आई गॉट अ वीडियो फॉर क्लास 8। इट्स पॉलिटिक्स लेसन 1। द चैप्टर नेम इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स हमारा संविधान। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संविधान क्या होता है और वाई वी नीड ऑफ दिस, हमें क्यों जरूरत पड़ती है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके लाइफ में जो आप डेली आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो उसमें एक रूल नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगी, तो आपकी लाइफ सही नहीं जा पाएगी। मतलब कोई भी टाइम आप उठ जाओगे, कोई भी टाइम सो लोगे, ठीक, कोई भी टाइम कुछ भी खा लोगे, कहीं भी चले जाओगे, तो आपकी लाइफ प्रॉपर वे में चलेगी नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, रूल बनाए जाते हैं, रेगुलेशन होते हैं, शेड्यूल मेंटेन करते हैं हम लोग कि हमको किस टाइम पे क्या काम करने हैं, कितनी चीज़ें यूज़ करनी है। ओवर यूज़ करेंगे तो उसका भी बैड इफेक्ट होता है। तो इसी तरीके से किसी भी कंट्री को कैसे चलाया जाए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशन नहीं होंगे, ठीक, तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई आदमी कहीं जा सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक। तो उसी लिए किसी भी कंट्री को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए हर एक कंट्री को संविधान की ज़रूरत होती है। और जहाँ अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ तो संविधान मस्ट है। संविधान क्या होता है, एक बेसिक रूल जिसके थ्रू हमारी कंट्री चलती है, गवर्न होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कुछ रूल्स होते हैं बेसिक तरीके से जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको देते हैं किस लिए, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए। किसी भी कंट्री में संविधान का होना ज़रूरी है। और संविधान नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इट डेवलप द ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल। एक कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग कास्ट हैं, तो अगर रूल सही तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, उनमें आपस में सही से वो लोग रह नहीं पाएंगे, मतभेद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी उनके बिटवीन। तो इसीलिए क्या, संविधान जो है वो दो तरीके या कई लोग के बीच ट्रस्ट पैदा करता है कि आप जो वैल्यू आपकी है कंट्री के अंदर, वही वैल्यू सामने वाले की भी है। इसमें क्या होता है, इन्फीरियर नहीं होता आदमी, तो आपस में उन लोग के ऊपर ट्रस्ट मेंटेन होता है, वो लोग पीसफुली किसी भी उस कंट्री में रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वरना बड़ा बड़ा रहेगा, बड़ा छोटे को परेशान करेगा। तो इसलिए संविधान बनाया गया है कि यहाँ पर सब क्या है, इक्वल, एवरी वन आर द इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं आपस में। सेकेंड, इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर पावर्स। अब इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें गवर्नमेंट होगी ना, तो ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कितने लोग होंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, एंड देयर पावर्स, और उनके शक्ति क्या है, पावर्स क्या है उनकी, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, वो चाहे स्टेट लेवल में हो, वो चाहे सेंट्रल लेवल में हो, या फिर वो लोकल गवर्नमेंट हो। आपके यहाँ प्रधान के अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर है। तो ये क्या डिफाइन करता है, बताता है कि जो गवर्नमेंट चल रही है वो चाहे स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, या फिर विलेज लेवल की हो, उनके पावर्स क्या हैं और उनकी बनावट कैसी है, वो कैसे बनेंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, नॉमिनेशन कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके संविधान में लिखी गई है। थर्ड, इट क्लियरली टेल द लिमिट ऑन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट बन गई है संविधान के थ्रू तो वो जो चाहे वो कर सकती, इट्स नॉट लाइक दैट। संविधान में सब लिखा गया है कि गवर्नमेंट का काम क्या है, उनके पास कितनी पावर है, वो अपने पावर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। मतलब कोई भी गवर्नमेंट, वो चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो जैसे ही फॉर्म में आएंगी वो जो चाहे वो कर सकती हैं। दे हैव देयर लिमिट्स, उनकी सीमाएं हैं, वो उन्हीं के हिसाब से काम कर सकती हैं, उसके ऊपर वो जा नहीं सकती हैं। तो ये सब कहाँ लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। तो इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए संविधान बहुत ही आवश्यक होता है, बिना उसके एक कंट्री चलेगी नहीं, एक गवर्नमेंट रन नहीं करेगी। अगर संविधान नहीं बना होगा तो गवर्नमेंट मान लीजिए फॉर्म हो गई तो वो जिस तरीके से चाहे, जो रूल्स चाहे वो लगा सकती है,
लेकिन संविधान के थ्रू वो कोई भी रूल लगाएगी नहीं। अगर लगाती है तो एवरी वन हैज राइट टू अपोज ऑन दैट रूल्स, सबको अधिकार है कि वो उस रूल के खिलाफ जा सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। कई तरीके हैं जिसके वजह जिसके थ्रू आप उन रूल्स का अपोज कर सकते हैं। अब संविधान बना कब, कैसे बना, किसके द्वारा बनाया गया, एवरी वन नोट बिकॉज यू आर इन क्लास एट। तो संविधान जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थ्रू बना है, ही इज़ द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कब बनाया गया, ये बनाया गया है नवंबर 26, 1949, मतलब इस दिन से संविधान बनना शुरू हुआ। और देखिए इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, इसलिए उसको बनने में इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। उसमें बहुत सारे मेंशन हुए हैं, कई सारे उसके अंदर जो पॉइंट्स थे उसको दोबारा से रीचेक किया गया है, उसको हटाया गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है, और उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, नियर अबाउट 1.5 ईयर लगा इसको कंप्लीट होने में। उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को कहाँ पर कंट्री के अंदर लागू हो गया, बना, शुरुआत हुई बनने की इस टाइम से नवंबर 26, 1949। इनेक्टेड मतलब लागू हुआ कंट्री के ऊपर 26 जनवरी 1950, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मीन्स गणतंत्र दिवस। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आप लोगों को। स्टे ट्यून रहिए ताकि जितने भी वीडियोस आएँ वो आप लोग देख लीजिए। और स्मॉल अपील टू एवरीवन, प्लीज़ बी सेफ एट होम, नो नीड टू मूव आउट, अपने घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स।